दिल्ली में पहलवानों ने किसान संगठने समर्थन आप्यु छे। जंतर मंतर खाते उग्र प्रदर्शन करवामां आवी रह्यु छे। जंतर मंतर खाते अफरा तफरीनो माहौल पण जोवा मळ्यो छे। ब्रिजभूषण सिंहना धरपकड़नी मांगणी करवामां आवी रही छे। जंतर मंतर खाते पहलवानोना धरना यथावत छे। તમારી સાથે સંવાદદાતા આદિત્ય પ્રતાપસિંહ જોડાયા છે। આદિત્ય, જાણના ચાહેંગે જિસ તરીકે સે જો જંતર મંતર મેં જો ચલ રહા હે, સબ અડક હે, સબકી માંગ પે ક્યા અભી જાણકારી મિલ રહી હે? બિલકુલ, ઇસ સમય આપ દેખ સકતે હૈ યહાં પર કુછ હી દેર પહેલે કા એક એસી હંગામેદાર એન્ટ્રી હુઈ થી, જહાં પર આપ તસવીરો મેં जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे कि ये सारे जो बैरिकेड हैं, एक बड़ा किसान समूह आता है जो बीकेयू सिद्धूपुर नाम का किसान संगठन है, उसकी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो बैरिकेड है, क्योंकि आज किसी तरीके की ऐसी सूचना नहीं थी इतनी आस्था कि किसी भी तरीके का कोई हंगामा नहीं बरपेगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ये डबल बैरिकेड की लेयर की गई है जो अभी तक नहीं थी, ये पूरी जो बैरिकेड है वो गिरा दी गई। आरएएफ के जो जवान थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं किया क्योंकि हंगामा बढ़ सकता था और उसके बाद वो बैरिकेड आगे तक खिसका के ले जाए जाते हैं और आगे के बैरिकेड जो है वो भी गिरा दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं एक शांत आंदोलन अशांति की ओर अगर बढ़ रहा है तो वाकई में सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन, आज जो ये हंगामेदार एंट्री हुई है किसानों की, ये वाकई में कहीं ना कहीं कुछ सवाल छोड़ के जाती है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इन चीज़ों को मैनेज किया और अभी फिलहाल यहाँ पर कई आला अधिकारी, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो इसलिए यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो पहुँचे हैं और स्पेशल टीम के लोग भी पहुँचे हैं। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। अगली बात करें समाचारों में, ऑपरेशन परीक्षा कौभांड बाद तपास